क्लास 12 आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम से ही यहाँ बुक में आया है, तो आप जरा देखें इसको ध्यान से समझें। कराहे असलम श्योपुर वाले एक फर्म में 3:2 के अनुपात में सहायदार है। रुपा डेडलाइन 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा आपको दिया हुआ है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी रहेंगे, हम आइटम टिक कर लेते हैं। कैपिटल कैपिटल अकाउंट्स में चली जाएगी। असेट साइड को भी देख लें, बिल्डिंग असेट है हमारी, मशीन असेट है, डेटर असेट है आपका, इन्वेस्टमेंट असेट और कैश भी असेट है। आगे कह रहे हैं उन्होंने 1 जनवरी 2019 से पिछोड़े को निम्न शर्तों पर नया सहायता कौन आया, पिछोड़े उसे सहायता बनाया, उसे लाभ का 1/3 भाग प्राप्त होगा। नया सहायता कितने भाग के लिए आ रहा है, 1/3। वह पूंजी के 1200 रुपये और ख्याति के लिए प्रीमियम के 9000 रुपये लाएगा, मतलब ख्याति और पूंजी दोनों नकद आ रही है। भवन का मूल्य 30,000 रुपये और मशीन का 8,000 रुपये रखना है। इनके प्रभाव देख लेते हैं, ख्याति और पूंजी दोनों नकद आ रही है तो कैश में इंक्लूड होगी, इसलिए कैश के साथ ऊपर बैलेंस शीट में आप 2+ के चिन्ह लगाएं। ये दोनों अमाउंट एक बार असेट्स में जाएंगे और एक बार कैपिटल अकाउंट में भी जाएंगे। भवन का मूल्य 30,000 है तो कंपेयर करें, पुरानी बिल्डिंग आपकी कितने की दी हुई, 20,000 और अब हो गई 30,000, मूल्य बढ़ा तो लाभ तो ये रेवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा, एक बार असेट्स में जाएगा, इसलिए ऊपर बिल्डिंग में प्लस का चिन्ह लगाएं। फिर मशीन का मूल्य 8,000 रुपये रखना है, कंपेयर करें, लास्ट ईयर हमारी मशीन थी 9,000 की, अब 8,000 हो गया, मूल्य घटा तो हमारे लिए हानि, इसलिए डेबिट साइड लिखा जाएगा और एक बार असेट में जाएगा। आप ऊपर टिक करें, मशीन के साथ माइनस का चिन्ह लगा दें। डूबत ऋण का आयोजन 2,000 रुपये से कम करना है, आप इस चीज को समझना। ऊपर देनदार आपके दिए 45,000, उन पर आयोजन है 8,000 का, ये आपसे कह रहे हैं उस आयोजन को 2,000 से कम करना है। तो यदि आपका डूबत ऋण का आयोजन 2,000 रुपये कम हो रहा है, मीन्स देनदारों की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, देनदारों की कीमत बढ़ी, हमारे लिए लाभ तो क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड जाएगा रिवेल्यूशन में और असेट में इंक्लूड होगा, इसलिए आप डेटर्स के साथ प्लस का चिन्ह लगाएं। नेक्स्ट है आपका समायोजन, विनियोग का बाजार मूल्य 6,500 रुपये है, जरा ऊपर से कंपेयर कीजिए, आपके विनियोग कितने के, 8,500 के। हम जानते हैं विनियोग स्कंद के बारे में, बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो दोनों में कम हो पर गणना होती है, तो आपका बाजार मूल्य घटकर 6,500 रुपये हो गया, 2,000 रुपये का हमें क्या हुआ नुकसान, ये कमी कहाँ जाएगी, रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में। आगे कह रहे हैं जो कराहे ने ली है, अब वो फर्म की संपत्ति नहीं ली, ये 6,500 की संपत्ति किसको ट्रांसफर हो जाएगी, पार्टनर को हो जाएगी, ठीक है। आगे आपको पुनर्मूल्यांकन खाता और सहायदारों के पूंजी खाते बनाने, देखिए जरा सबसे पहले रेवोल्यूशन का एक प्रारूप खींच रखा है, आप मुझसे से शुरुआत करेंगे। आपको रेवोल्यूशन संबंधी दिया, पहले बिल्डिंग के जो कीमत है उसमें इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको क्रेडिट लेंगे, बिल्डिंग इनर में हम तय कर लें कि कितना इंक्रीज हुआ, पहले 30,000 की अब हो गई है और पहले हमारी असेट कितने की थी, 20,000 की, तो एक्चुअल में इंक्रीज वैल्यू कितनी है, ओनली 10,000 पूरी यहाँ शो करेंगे। नेक्स्ट मशीन का मूल्य कम हो गया है तो डेबिट साइड आएगा, क्यों, मशीनरी इनर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, पहले मशीन 9,000 की थी और अब आप रखना चाहते हैं कितने की, 8,000, इसलिए आपका कमी कितनी शो होगी, 1,000, ठीक है। आगे आपको इन्होंने दिया है डूबत ऋण का आयोजन कम करना है, इटमीन्स डेटर्स की कीमत बढ़ेगी, बाय डेटर्स जितना अमाउंट कम करना है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 2,000, ठीक। नेक्स्ट समायोजन है कि विनियोगों का बाजार मूल्य 6,500 हो गया, इटमीन्स विनियोगों में कमी हो गई, तो टू इन्वेस्टमेंट 8,500 के हैं, लेकिन 6,500 के रह गए कमी जो है वो डेबिट में शो हो जाएगी। अब टोटल डिफरेंस, ठीक है। अब आपका पुराने सहायता कौन है, कराए और असलम, हम देख रहे हैं क्रेडिट ज्यादा है, कमी डेबिट में, इट मीन्स रिवोल्यूशन पर प्रॉफिट होगा, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कराए और असलम, इनके अनुपात आपको दिए हुए हैं 3:2, इट मीन्स 3/5, 2/5, डिफरेंस निकाल लें, टोटल आ रही है आपकी 12,000 क्रेडिट की, डेबिट साइड की टोटल कितनी है, 3,000
12 में से 3 गए तो डिफरेंस आया 9000 का, जो 3 और 2 के अनुपात में असलम और कराने में बांट देंगे। तो हम यहाँ कैलकुलेशन करके देख लें, 9000 बटे 5, 5 एक 5 बचे 4, 5 और 3 40, 1800 को पहले के लिए 3 से गुणा करेंगे और दूसरे के लिए 2 से, तो 18 दिया 54। तो असलम का कितना, सॉरी कराने का 5400 और असलम का 18 × 36 3600, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका रेवोल्यूशन के प्रॉफिट के बाद। अब हम इनसे पूछा गया है सायदारों के पूंजी खाते बनाने को कहा गया है, तो हम पूंजी खाते बनाएंगे। चलिए कैपिटल अकाउंट में मैंने यहाँ पहले से खींच रखे हैं। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कैसे होती है हम जानते हैं, बैलेंस बैलेंस शीट में जो बैलेंस दिए हैं पुराने सायदारों के, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बाय बैलेंस बीडी आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में। देखें कराए की है पूंजी 30,000 और असलम की है 20,000 छोड़ी में कैश। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में से वो कोई ऐसी मंदी है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो। अब समायोजन कर सकते हैं, नया सहायता पिछोड़े आ रहा है, वो पूंजी के 12,000 रुपये ला रहा है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, नया सहायता जब पूंजी लाता है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश कितने रुपये लाया, 12,000। प्रीमियम भी नकद आ रहा है, इस नया सहायता नकद प्रीमियम लाए, हम इसीलिए एंट्री में भी कर सकते थे और अलग से भी कर सकते हैं। नया सहायता जब नकद लाता है तब एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ओल्ड के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश अनुपात। यहाँ पर कोई और नई सूचना नहीं दी इसलिए माना जाएगा कि पुराने सहायता पुराने अनुपात में था, 3 और 2 में त्याग कर रहे 9000 रुपये ने, तो 9000 को अभी हमने बांटा, वही अमाउंट यहाँ भी आ जाएगा 5400 और 3600। अब ध्यान देना मैंने ये ट्रांसफर नहीं कर रहे, ये मैंने गुडविल के पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। आगे फिर आपको ये कह रहा है भवन का मूल्य मशीन वगैरह सबसे हमने ये समायोजन बना रखे और ये प्रॉफिट कैलकुलेट करा था, ये यहाँ पर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा बाय रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में हम यहाँ शो कर लेंगे प्रॉफिट, ठीक है। ये जो हमने कैलकुलेट किया था वो प्रॉफिट 5400 और 3600, इसे इससे कोई लेना देना नहीं, इसमें इसमें डैश हो जाएगा। अब नया समायोजन जो पिछले सवाल में नहीं था, विनियोग बार 6500 के किसने लिए, कराहे ने, तो जब सायदार असेट्स ले रहा है तो उसके खाते में वो क्या हो जाएगी डेबिट, क्योंकि उस राशि से वह फर्म को भुगतान करेगा, तो टू कराहे अकाउंट कितने से, सॉरी हाँ सॉरी यहाँ पर देखिए तू करा है अकाउंट कितने से, 6500 से असलम और पिछोड़े में डैश हो जाएगा। अब सब समायोजन हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तो डिफरेंस कर ले हम लोग, क्रेडिट साइड ही सबकी ज्यादा है, तीस हजार और 10 ये हो गया 40,800, फिर 20 और 27,200 और लास्ट वाले का 12,000। अब डेबिट में बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस सीबी कराहे की क्रेडिट की टोटल है आपकी 40,800, इसमें से 6,500 को माइनस कर ले, तो 0 0, 8 में से 5 गया 3, यहाँ 10 में से 6 गया 4 34 300, इसकी टोटल है 27,200। डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है इसलिए इसका बैलेंस भी कितना रहेगा 27,200, इसकी टोटल है 12,000। डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है इसलिए बैलेंस भी 12,000। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ, इसमें हमने 2 या 3 नए समायोजन सीखे, एक तो आयोजन में कमी तथा डेटर्स में वृद्धि, आपके इन्वेस्टमेंट में बाजार मूल्य में कमी हुई इसलिए वो इफेक्ट तो रिवैल्यूएशन पड़ेगा, प्लस एक सायदार यदि असेट्स ले लेता है तो हम कैसे उसे कैपिटल में शो करेंगे वो भी यहाँ आ रहा है।